अस्सलामुअलैकुम, मैं नीलम फशीक, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बाइट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ में हेल्दी एंड खुश होंगे। हम जानते हैं कि शादियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है, और हम लड़कियाँ जितना ज्यादा मेकअप करती है, हमारा मेकअप हमारी आई लैश के बिना कहीं ना कहीं फीका लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी रह गई है। बट जो आई लैश हम यूज करते हैं, बहुत सफरिंग होती है उस चीज़ को लेकर। समटाइम्स उसे लगाने में प्रॉब्लम होता है, प्लस गिरने की चांसेस होते हैं। उसके अलावा मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि ये वाली कॉर्नर से ना वो निकल के ऐसे गिरने लगती है, तो काफ़ी एम्बैरेसिंग लगती है लोगों के सामने। तो इस चीज़ को देखते हुए ना मार्केट में एक मैग्नेटिक आई लैश आई है, जो काफ़ी रिजनेबल रेट में है और प्लस काफ़ी कन्वीनियंट है, क्योंकि आई लैश के बिना हमारा मेकअप बहुत ही फीका लगता है। तो यहाँ पे मैंने ये एक किट मंगाया है, मैग्नेटिक आई लैश एंड आई लाइनर का किट, इसलिए क्योंकि इसमें 5 टाइप के आपको आई लैश देखने के लिए मिलते हैं। अब 5 डिफरेंट टाइप इसलिए क्योंकि समटाइम्स यू फील कि बहुत ही लाइट चाहिए, और समटाइम्स आपके मेकअप काफ़ी हैवी होता है तो हमें आई लैश भी वैसे ही लगते हैं। तो यहाँ पे ये लोगों ने 5 डिफरेंट टाइप्स के आपको आई लैश दिए है, प्लस यहाँ पे 2 मैग्नेटिक आई लाइनर है जो इसको चिपक जाएंगे, साथ में अंदर एक स्पैचुला है जो हमें लगाने में हेल्प करेगा। बट आई थिंक मैंने इसे ट्राई किया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पैचुला के बदले अगर हम हमारे हाथों से इसे लगाएंगे तो ये और ज़्यादा ईजी हो जाता है। बट मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी, आप लोगों के सामने लगा के दिखाऊंगी। तो इसे ओपन करती हूँ मैं, ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखता है। वाओ, लुक सो प्रिटी। इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही कन्वीनियंट है। आप देख सकते हो ये 5 आपको ऐसे डिफरेंट टाइप के आई लैश मिल जाएंगे, जो दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल है और आपकी आंखों में 4 चांद लगा देगा। तो मैं पहले आपको उसे लगा के दिखाती हूँ, बट उससे पहले जस्ट होल्ड योर सेकेंड्स और सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन प्लस बेल आइकन, लाइक और कमेंट्स ऑल्सो। सो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगन। तो गाइस, ये है मेरे पास मैग्नेटिक आई लैश और आई लाइनर की किट, जिसमें हमें 5 पेयर्स मिलते हैं आई लैश के, प्लस 2 आई लाइनर मिलते हैं। तो हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं ये मैग्नेटिक क्यों है। उसके बाद इसको रिमूव करने का तरीका, इसके कुछ प्रिकॉशंस, इजी टू यूज, स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं। ओके, और जो पैकेज में इंक्लूड है वो है मैग्नेटिक आईलाइनर 2, 5 पेयर ऑफ मैग्नेटिक लैश और एक एश एप्लीकेटर। ठीक है, तो हम इसे ओपन करते हैं। ये ओपन होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, काफ़ी दिखने में ब्यूटीफुल है। ये इसका एप्लीकेटर है, हम इसे इसकी हेल्प से पकड़ के इसे निकाल सकते हैं और आई लैश लगाने में ये हमें हेल्प देंगे। तो हम इसे करते हैं साइड में, प्लस हमारे पास की 2 आई लैश लगाने के लिए आई लाइनर दिया हुआ है, 1 एंड 2। इसे देखते हैं लगा के इसमें क्या है ऐसा। उसके बाद ये हमारे आई लैश, तो मैं ये ऊपर वाला निकालती हूँ, और अगर मैं इसे ऐसे छोड़ दूंगी ना तो इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, यू कैन सी। ओके, तो मैं इस पे लगा के देखती हूँ इसमें एक्चुअल में क्या है, देखते हैं। इसमें ना ऐसे छोटे छोटे से मैग्नेट दिए हुए हैं, यू कैन सी, ये मैग्नेट है इसमें। इसलिए इजीली चिपक जाते हैं।
बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जब इसे लगा रहे हैं तो हमारा जो लाइनर है आप वो बहुत ही थिन लगाए और उसके ड्राई होने तक आपको इसे एटलीस्ट प्रेस करके रखना है। तो इसे हम ड्राई होने देते हैं और मैं आपको रिमूव भी कर दूँगा। लग गया है और इसे इजीली हम निकाल सकते हैं। ये तो अभी तक गीला है लेकिन अगर ये सूख जाएगा तो इतनी इजीली नहीं निकलेगा। अबाउट दीज और लेट मी शो यू के इसे कैसे यूज़ करना है। तो मैं ना इसमें का जो सबसे ज़्यादा हैवी है ना, नहीं ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, मैं ये वाला ट्राई करके दिखाती हूँ। फर्स्ट वाला नो, मैं ये थर्ड वाला यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी लंबे लंबे लग रहे और मेरे आई लैश ना वैसे ही नेचुरली काफ़ी अच्छी है तो आई थिंक ये वाला ट्राई करना चाहिए मुझे, है ना। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है हमारा लाइनर जो हमें काफ़ी हेल्प करेगा हमारे आई लैश लगाने में। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसे हमें नॉर्मली जैसे हम आई लाइनर लगाते हैं ना वैसे ही लगाना है। आपको विंग्स वगैरह नहीं बनाना है इसमें। अगर आपको यहाँ से आई लैश लगानी है तो आप विंग्स बना के लगा सकते हो, बट मैं नेचुरली लगाऊंगी तो हमें नेचुरली इसे लाइनर लगाना है। दिख रहा है ना, मैं थोड़ा ऐसे कर दूं। ठीक है, तो आई लाइनर लग गया है। नाउ अप्लाई मैग्नेटिक आई लैश। तो मैंने ये कहा था, मैं इसे निकालती हूँ। वाओ, इसमें भी मैग्नेटिक है, काफी इजीली निकल जा रहा है। ये मैंने यू निकाली और छोड़ दी। तो इसमें मैग्नेट है तो मैं ये वाला लगाऊंगी, देखते हैं कैसे लगता है ये। लुक लाइक अ बार्बी। एक चीज का ध्यान रखिए, हम जो आई लाइनर लगा रहे हैं ना उसका ड्राई होना जरूरी है वरना ये निकल जाएगा। तो एटलीस्ट इसको प्रेस करके रखना होगा ताकि हमारा आई लाइनर सूखे, उसके बाद में इजीली लग जाएगा। अगर गीला रहेगा ना तो इसके निकलने के चांसेस होंगे। ओके, गॉट इट माय पॉइंट गर्ल्स। वाओ, तो हम दूसरा वाला लगाते हैं। तो ये दूसरे वाले पे मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर हम लाइनर लगाते हैं और देखते हैं कि वर्क करता है क्या। एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा। तो यहाँ से मैंने ये निकाली, वैसे लग रही है तो मैं इस पे लगाती हूँ और देखते हैं ये लगेगा या नहीं लगेगा। ओके, लग गया ये तो। बट ये वेट है अभी भी, जैसे मैंने कहा कि इसका ड्राई होना जरूरी है। सो इसको प्रेस करके रखना होगा ताकि ये ड्राई हो जाए। ओके,
मेरे आईज काफी भारी हो चुके हैं। कितना इजीली लग गया ये, वरना यू पकड़ के लगाते रहो। मैग्नेटिक आईलैश काफी इजीली लग गया। अगर मैं लिटरली कहूँ तो ये आपका टाइम सेविंग प्लस मनी सेविंग वाला ये किट है, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने इसे अमेजोन से बाय किया है, 600 रुपीज का है और 600 रुपीज में आई थिंक से इट्स वर्थ। तो मुझे तो काफी अच्छा लगा, आप लोग को कैसा लगा मुझे जरूर बताना। सो मेरी आंखें लग रही है बाबी डॉल। सो ये था हमारा मैग्नेटिक आई लैश का एक छोटा सा वीडियो, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।